हेलो दोस्तों, खुशखबरी 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 पूरे देशवासियों के लिए खुशखबरी। जी हां भाइयों, सरकार ने कर दी एक बड़ी घोषणा, अब आप जनधन खाता प्राइवेट बैंकों में भी खुलवा सकते हो। जैसा कि भाइयों आप जानते हैं, लॉकडाउन के दौरान आर्थिक सहायता के रूप में सरकार जनधन खातों में रुपए भेज रही है, लेकिन अभी मेरे बहुत सारे देशवासी ऐसे हैं जिनके पास जनधन खाता नहीं है, तो वो अब प्राइवेट बैंकों में भी अपना जनधन खाता खुलवा सकते हो। साथ ही अगर आपके पास कोई पिछला पुराना सेविंग अकाउंट है उसको भी आप जनधन खाते में चेंज करवा सकते हो। इसकी सारी विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे, किस प्रकार आप जनधन खाता खुलवा के आपके खाते में 10,000 रुपये की राशि आएगी, इसकी सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे विस्तार से, तो वीडियो अंत तक पूरा देखना। साथ ही भाइयों, पूरे देश में सर्वे करके लिस्ट तैयार की जा रही है जिनके खाते में रुपए आएंगे, उस लिस्ट में अपना नाम भी जुड़वाना चाहते हो तुरंत वीडियो के नीचे अपना पूरा नाम कमेंट कर देना, ताकि आने वाले वक्त में आपका नाम लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा और आप खाते में रुपए डाल दिए जाएंगे। तो भाइयों कमेंट अवश्य पूरा करना। तो चलो भाइयों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सामने भाइयों वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, यहाँ से लाइक कर दें वीडियो को। फिर उसके बाद हम वीडियो को यहाँ पर तीर के बटन से शेयर कर दें। शेयर करते यहाँ पर फेसबुक या व्हाट्सअप, इन दोनों पर से किसी पर भी आप शेयर कर दो वीडियो को। शेयर करने के बाद भाइयों चैनल को सब्सक्राइब, ये बटन है, इस सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। साथ में ये बेल आइकन निशान आएगा घंटे का, इस घंटी पर बटन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। सरकार की बड़ी घोषणा, पीएम जनधन योजना प्राइवेट बैंकों में भी खोला जा सकता है खाता। अब इसके क्या फायदे होंगे वो भी सारी जानकारी देंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई नागरिक चाहे तो सरकारी बैंक के अलावा प्राइवेट बैंक में भी अपना जनधन खाता खुलवा सकता है। साथ ही सरकार ने कहा है कि अगर आपके पास कोई भी सेविंग अकाउंट है तो आप उसे जनधन खाते में बदल भी सकते हो। जनधन खाता कैसे खुलवाएं और सेविंग अकाउंट को जनधन खाते में किस प्रकार बदले, ये दोनों ही आसान प्रक्रिया है। तो भाई ये तेरी सरकार की खुशखबरी। अब हम आपको बताएंगे जनधन खाता किन किन प्राइवेट बैंकों में खोल जा सकता है। इस लिस्ट के तहत बैंकों के नाम सुनिए, धनलक्ष्मी बैंक, यस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, ING वैश्य बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, कर्नाटका बैंक, वो साथ ही इंडस इंड बैंक। अगर आपका बैंक खाता इन बैंकों में है तो आप उसको जनधन खाते में चेंज करवा सकते हो या नया जनधन खाता भी खुलवा सकते हो इन प्राइवेट बैंकों में। सरकार ने लिस्ट जारी कर दी है। साथ ही अब कौन खाता खुलवा सकता है जनधन वो भी सुने। भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 10 साल से ज्यादा हो वो जनधन खाता खुलवा सकता है। जनधन खाता खुलवाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए वो भी सुने। जनधन खाता खुलवाने के लिए KYC के तहत दस्तावेजों को सत्यापन जरूरी है। इन डॉक्यूमेंट के इस्तेमाल से जनधन खाता खोला जा सकता है। सबसे पहले आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, मनरेगा जॉब कार्ड। अगर आपके पास इनमें से कोई सा भी डॉक्यूमेंट है तो आप जनधन खाता आसानी से खुलवा सकते हो। तो ये तो रही भाइयों नई जनधन खाते की बात। अगर आपका किसी बैंक में सेविंग अकाउंट है तो उसको जनधन खाते में किस प्रकार बदले अब वो सुने। इसके लिए आपको ये करना होगा, सबसे पहले अपने बैंक ब्रांच में जाइए, वहां पर आपको एक फॉर्म मिलेगा रुपए कार्ड का। आपको बैंक वाले से बोलना होगा कि मुझे रुपए कार्ड का फॉर्म दे दे और उसको भर के उसको बैंक वाले को जमा कर दे आवेदन के तौर पर। जैसे ही आप रुपए कार्ड का फॉर्म बैंक वालों को दोगे भरकर, तो आपका वो अकाउंट जिस बैंक में आप रुपए कार्ड का फॉर्म भर रहे हो वो जनधन खाते में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार आसानी से आप अपने सेविंग अकाउंट को जनधन खाते में चेंज करवा सकते हो रुपए कार्ड का फॉर्म भरकर। तो ये तो रही भाई जनधन खाता किस प्रकार खुलवा सकते हैं। अब उसके फायदे जानिए, क्या क्या जनधन खाते खोलने के बाद फायदे मिलते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना में कई सारी सुविधाएं सरकार देती है जिसके तहत सामान्य बचत खाते में भुगतान करना पड़ता है। सबसे पहले फायदा है, जनधन खाते में जमा राशि पर ब्याज मिलता है। खाता धारक को निःशुल्क मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी मिलती है। जनधन खाता धारक को अपने खाते में 10,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट मिलता है, यानी खाते में से आप कभी भी बिना किसी गवाह के 10,000 रुपये निकाल सकते हो अगर आपके खाते में 0 बैलेंस है। तो सरकार ये सुविधा सभी जनधन खातों पर देती है, 10,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट, लेकिन ये आपको तुरंत नहीं मिलता है, कुछ महीनों बाद ये सुविधा आपको जनधन खाते में मिल जाती है। आप कभी भी अपने खाते में से 10,000 रुपये की राशि निकलवा सकते हो 0 बैलेंस पर भी। साथ ही जनधन खाते में निःशुल्क 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा भी मिलता है। साथ ही इसमें 30,000 रुपये का बीमा भी होता है। खाताधारक के निधन पर उसके द्वारा नामित व्यक्ति को 30,000 रुपये मिलते हैं। ये बीमा हर किसी व्यक्ति का होता है, जनधन खाते में 30,000 रुपये का बीमा। खाताधारक इस खाते के जरिए आसानी से बीमा और पेंशन योजना को खरीद सकता है, यानी कि आप इसमें से बीमा और पेंशन योजना की किस्त भी चालू करवा सकते हैं। साथ ही इस खाते में कोई न्यूनतम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है, ये एक 0 बैलेंस अकाउंट होता है, इसमें आपका कोई भी एक्स्ट्रा रुपया नहीं कटता है। तो ये सारी सुविधाएं जनधन खाते पे आपको मिलती है। सबसे मेन चीज तो है 10,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट सभी जनधन खातों पर मिलता है। तो भाइयों अब आप जान चुके होंगे जनधन खाते में आपको क्या क्या लाभ मिलते हैं। अब सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी दे दी है, सब प्राइवेट बैंकों में जनधन खाते खोले जा रहे हैं। या फिर आपको दूसरा तरीका बताता हूं,
अब सरकार ने ई मित्र केंद्रों के माध्यम से भी जनधन खाते खोलना शुरू कर दिया है, लेकिन आपको बताना चाहते हैं इनमें सिर्फ वो ई मित्र केंद्र आएंगे जिनके पास बैंक की ब्रांच होती है, जो रुपए का लेन देन करते हैं। जी हाँ भाई, सिर्फ वो ई मित्र केंद्र वाले जिनके पास बैंक की छोटी ब्रांच होती है। आप उन ई मित्र केंद्रों पर जाकर जनधन खाता, जो जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, फ्री में आसानी से खुलवा सकते हो। सरकार ने ये निर्णय इसलिए लिया है ताकि बैंकों में भीड़ नहीं हो। तो भाई ये भी देश के लिए खुशखबरी है। तो भाई सरकार आने वाले वक्त में सभी जनधन खातों में रुपए डालेगी आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए गरीबों की। अगर आप भी लिस्ट में नाम जुड़ना चाहते हो ताकि अगले महीने आपके खातों में रुपए आ सके, तुरंत वीडियो के नीचे अपना पूरा नाम कमेंट कर देना ताकि हम आपका नाम लिस्ट में तुरंत जोड़ देंगे। साथ ही जो भाई वीडियो को 5 या 6 ग्रुपों में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करेगा उसका नाम हम लिस्ट में तुरंत अभी के अभी जोड़ देंगे। इसलिए वीडियो को देखते ही फेसबुक और व्हाट्सएप पर 5 या 6 ग्रुपों में शेयर करना। जो भाई वीडियो को ज्यादा शेयर करेगा उसी का नाम हम लिस्ट में तुरंत जोड़ेंगे, तो ये काम अवश्य करना। साथ ही वीडियो को नीचे लाइक का बटन दबाकर लाइक जरूर कर देना। तो भाई वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।